हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एल और सी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी और एक्सएल इज लेस देन एक्सी, दोनों किस्सों में क्या फर्क होता है। इसका मतलब सर्किट अगर ज़्यादा इंडक्टिव है तो क्या होता है, सर्किट अगर ज़्यादा कैपेसिटिव है तो क्या होता है। लेकिन उस वक्त वहाँ पर हमने रजिस्टर को कंसिडर नहीं किया था। इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टर को कंसीडर करेंगे। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को तीनों को सीरीज में अगर कनेक्ट किया गया और दोनों किस्सों में अगर एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम देखेंगे। आरएलसी सीरीज सर्किट दोस्तों एसी सर्किट के लिए बिल्कुल आप कह सकते हो एप्लीकेबल है। हमें रूटीन में कहीं भी प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव दिखता नहीं है। हम सारे कंपोनेंट हमारे घर पे अप्लायंसेस है वहाँ पे मिक्स देखते हैं, प्योर रेजिस्टिव कुछ लोड है। लेकिन आप मोटिव लोड ले लो, मोटर्स सारी है, जितने मशीन्स है वो सारे वहाँ पे आपको आरएलसी का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरएलसी को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और एक्सेल हमको पता है 2πfL, क्योंकि एसी सप्लाई है तो फ्रीक्वेंसी कंसिडर यहाँ पे होगी 2πfL और एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfC। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा 2πfL होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2πfC होगा और हमारा इम्पीडेंस यहाँ पे R² प्लस एक्सेल माइनस XC² होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल माइनस XC² है और वहाँ पे क्या था, R नहीं था, R जीरो था, तो इसलिए हम लोग कहते थे XL माइनस XC² और उसका स्क्वायर रूट। तो इतना फर्क है, ये इम्पीडेंस टोटल इम्पीडेंस कंसिडर होगा और I इज इक्वल टू V बाय R नहीं लिखेंगे, V बाय XL नहीं लिखेंगे, V बाय XC नहीं लिखेंगे, V बाय Z लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है जिससे हम सर्किट कौन से जोन में वर्क करेगी, इंडक्टिव जोन में वर्क करेगी या कैपेसिटिव जोन में वर्क करेगी, वो हम समझ पाएंगे। दो केस है, एक तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है और दूसरा है एक्सएल इज लेस देन एक्सी। मान लीजिए एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो करंट लैगिंग होगा। इसका मतलब ये आपको मान लीजिए वेक्टर डायग्राम ऐसा दिया गया है तो आप इस पे से क्या लगता है आपको, ये आप देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस करंट लिया गया है और करंट के फेज में रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो हमको पता है। अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है तो वो हमेशा करंट के फेज में ही आएगा। और यहाँ पे ये बीसी हमारे को यहाँ पे करंट लीडिंग होगा कैपेसिटर में तो बीसी नीचे मिलेगा और यहाँ पे बीएल वो हमारा एबी वेक्टर मिलेगा, लेकिन रिजल्टेंट जो है बीएल माइनस बीसी वो हमको मिलेगा एसी वेक्टर। ये एसी जितना पोर्शन है वो हमारे को रिजल्टेंट मिलेगा। एज द सर्किट इज इंडक्टिव, हमारी सर्किट मोर इंडक्टिव है तो बीएल माइनस बीसी हमारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा जो बीसी और बीएल का वेक्टर सम होगा और हमको फाइनली वोल्टेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे वी जितना वेक्टर ओसी जितना वोल्टेज मिलेगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे वी इज इक्वल टू VR² प्लस VL माइनस VC² इसी प्रकार आप यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पे इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप और कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप का रिजल्टेंट आप गिन सकते हो। तो ये सर्किट इंडक्टिव जोन में वर्क करेगी, यहाँ पे ओवरऑल पावर फैक्टर लैगिंग आएगा। मान लीजिए एक्सएल इज लेस देन एक्सी तो इसका मतलब सर्किट मोर कैपेसिटिव जोन में है तो आपका जो करंट है वो लीडिंग आएगा। तो उस केस में आपका वेक्टर डायग्राम इस प्रकार बनेगा। हमको पता है हमने अगर करंट को रेफरेंस लिया तो VR हमारा इन फेज आएगा, ये हमारा VL है जो हमारा इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है और यहाँ VC है जो हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप है। तो फाइनली मान लीजिए अगर VC, ये टोटल VC हमारा है, VC माइनस VL ये हमारा AB वेक्टर है, इतना हमको रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हमको टोटल वोल्टेज ड्रॉप VOB वेक्टर मिलेगा जो VR² प्लस VC माइनस VL² मिलेगा। तो ये सर्किट दोस्तों मोर कैपेसिटिव जोन में वर्क करेगी क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है। तो दोस्तों इसी प्रकार RLC में जो हम लोग रूटीन में देखते हैं, अगर आपकी सर्किट में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों अवेलेबल है
आपको देखना पड़ेगा कौन सा रिएक्टेंस ज्यादा है, तो आपको वेक्टर का वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर सम लेके आपको फाइनली रिजल्ट ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंपल एल्जेब्रिक सम करोगे वी सी प्लस वी एल प्लस वी आर को आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ये आप प्रैक्टिकल में भी ज्यादा समझ सकते हो, इसके लिए आप आईएलसी सीरीज का प्रैक्टिकल वो है वो वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।